समय आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं वो इवेंट का समापन करने आ चुके हैं। एग्जीबिशन यहाँ पर उनका जो है वो समापन करने माने पर देखा जा सकता है कि टीवी इंडिया लाइव देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है रामनाथ कोविंद आपके सामने हैं जो है वो इवेंट जो है ये जो उसका समापन कर रहे हैं। तो ये इंडिया लाइव आपको लेकर आया है कि राष्ट्रपति यहाँ पर जो है वो समापन करने आ चुके हैं। ये आप साफ देख सकते हैं कि जो है ये जो है आप साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है हमारे साइड में खड़े हैं और वो जो यहाँ पर दुकान स्टॉल लगे हैं उनका जो है वो समापन करने आए हैं राष्ट्रपति। तो ये एक साफ बात है यहाँ पर कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है चाहती है कि निवेशक यहाँ पर आकर निवेश करें और उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ें, तो ये साफ नज़र आता है कि खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने आए थे और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका समापन करने आए हैं। तो ये एक साफ दर्शाता है कि रोजगार और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े इसके लिए कितनी गंभीर है उत्तर प्रदेश और भारत के प्रधान खुद नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश बढ़े इसके लिए लगातार जो है योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है, जिसके तहत अब समापन करने जो यहां पर स्टॉल लगे हैं उनको खुद रामनाथ कोविंद जो है समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर स्टॉल लगे हैं। क्या मैं आपको बताऊं कि उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल राम नाईक हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं साथ में और खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तो ये आपको जो मैं आपको बताऊं कि लगातार ये प्रयास रहा है कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े उसके लिए लगातार जो है योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यूपी में जो है निवेश बढ़े और लगातार निवेशक प्रभावित हों उसके लिए एक देखा जा सकता है कि कितनी गंभीर है। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वह एग्जीबिशन का समापन करने आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉल जिस तरीके से लगे हैं उसमें क्या क्या है, कैसी कैसी व्यवस्था है, खुद जो है वो सर्वे कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार इन निवेशकों को प्रभावित करती है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश बढ़े इस पे एक बड़े पैमाने पर जो है प्रयास किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री राष्ट्रपति के साथ हैं सतीश महाना जी और खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं और डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और खुद आदित्यनाथ उनके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए एक अच्छा माहौल बने उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक ज़रूर मायने रखेगा कि निवेशकों के लिए किस तरीके से यूपी में माहौल बने और निवेश आए और निवेशक प्रभावित हो, ये एक बड़े पैमाने पर योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है और लगातार जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है इस इवेंट का समापन करने आए हैं तो वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी में निवेश के लिए कितना जो है गंभीर है योगी सरकार कि खुद राष्ट्रपति जो है इस इवेंट का समापन करने आए हैं और इसका जो उद्घाटन था वो खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आए और एक विश्वास निवेशकों में पैदा किया था कि अब जो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल बनेगा जो है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी और निवेशकों के लिए एक अच्छा माहौल योगी सरकार देने में कामयाब हो पाएगी। आने वाले समय में ही पता लगेगा कि कितने वर्षों में जो है ये एक अच्छा माहौल
बन सकता है निवेशकों के लिए। तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है योगी सरकार ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इवेंट किया है। ये एक समिट नहीं, एक महासम्मेलन कहा जा सकता है, और निवेशकों का एक महासम्मेलन योगी सरकार ने किया है यहाँ पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये एक जरूर मायने रखता है कि अब जो है योगी सरकार की तरफ से जिस तरीके से खुद राष्ट्रपति इस इवेंट का समापन करने आए, और अब आप देख सकते हैं कि उस इवेंट का जो है यहाँ पर जो स्टॉल लगे थे उनका खुद राष्ट्रपति ने जो है उनका निरीक्षण किया, खुद उन्होंने देखा यहाँ पर कि कैसी व्यवस्था है, और हर चीज़ सबके पास जितने निवेशक यहाँ पर निवेश करने के लिए आए हैं उनके पास खुद जाकर, तो आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रपति यहाँ से निकल चुके हैं और वो अब मुख्य पंडाल पर जहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाकर जो है आज 22 तारीख जो दो दिन का इवेंट था उसका जो है अब राष्ट्रपति खुद समापन करेंगे, और इसका जो निवेशक महासम्मेलन था उसका आज से समापन हो रहा है। आने वाले समय में देखा जा सकता है कि किस तरीके से योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी सफलता, और आने वाले वर्षों में किस तरीके से ये एक फायदे के रूप में और यूपी में रोज़गार बढ़े और युवाओं के लिए रोज़गार पैदा हो, इसके लिए लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है, और आने वाले समय में देखा जा सकता है कि कितना प्रयास ये सफल हो पाता है। तो ये एक जरूर रहने वाला है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ से।